हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो जैसा कि बहुत सारे जो व्यूअर हैं यहाँ पे कमेंट करके पूछ रहे थे, आरओ एआरओ 2017 का रिजल्ट कब तक आएगा अब, और साथ ही साथ जो आयोग ने जो है नाम वापसी के लिए जो घोषणा की थी उसके बाद जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, कट ऑफ कम हो सकती है या नहीं, इसके लिए जो है आज ये वीडियो पूरा बनाया जा रहा है। इसमें आपको कुछ रीजंस बताए जाएंगे कि जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हाँ इस बार जो है कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि क्यों जो है कट ऑफ कम होने की संभावना है। तो जहाँ तक मेरा मानना है तो कट ऑफ इस बार जो है थोड़ी कम जाएगी। और जो रिज़ल्ट की बात है, पहले रिज़ल्ट देख लेते हैं कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। तो जो रिज़ल्ट के अभी तक अनुमान है, आर ओ ए आर ओ का रिज़ल्ट आने का अनुमान, तो अभी टाइपिंग नहीं हुई, टाइपिंग के बाद ही आएगा। तो दिसंबर के बाद ही जो है टाइपिंग होगी, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी जा करके जो बुधवार को मिलने का जो प्रक्रिया है उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा कि पीसीएस का एग्ज़ाम होने के बाद, प्री एग्ज़ाम होने के बाद ही जो है टाइपिंग कराई जाए। तो अगर टाइपिंग दिसंबर में होगी तो दिसंबर एंड या जनवरी में फर्स्ट वीक में ही आरओ का रिज़ल्ट आ पाएगा। और दोस्तों अब बात करते हैं कट ऑफ की। तो जैसा कि फेसबुक और अन्य जगहों से जो अनुमान लगाया जा रहा था, वहाँ पे कहा जा रहा था कि 300+ जो कैंडिडेट हैं सिलेक्टेड, पीसीएस 16 और 17 वाले कैंडिडेट ने अपना अभ्यर्थन जो है वापस लिया है। लेकिन जो है रियलिटी में आयोग की तरफ से जो डाटा जारी किया गया है दोस्तों, तो वो 189 ही जारी किया गया है। इसका मतलब इतने लोग जो है अपना कैंडिडेचर जो है वापस ले ले रहे हैं, तो निश्चित रूप से कट ऑफ कम जाएगी। अब कट ऑफ कम जाने के क्या क्या रीज़न है वो देख लेते हैं दोस्तों। पहली बार आयोग ने जो है निगेटिव मार्किंग जो है लागू किया है, तो कहीं ना कहीं निगेटिव मार्किंग की वजह से 10 मार्क्स जो है सब लोगों के कम होंगे, तो 10 मार्क्स निगेटिव मार्किंग से कम होगा। और ये जो कट ऑफ जो लोग जो है अपना नाम वापस लिए हैं, तो निश्चित रूप से ये लोग कट ऑफ में शामिल होंगे, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो सिलेक्टेड होते हैं वही फिर से सिलेक्ट होते हैं, आयोग की ऐसी परंपरा रही है। तो 16-17 के बहुत से लोग जो है इसमें रहते हैं, उन्होंने अपने नाम वापसी ले ली, तो ये बहुत ही अच्छा डिसीजन उन्होंने लिया, बहुत अच्छा काम किया। तो इससे भी थोड़ी सी कट ऑफ कम होगी, लगभग 10 मार्क्स तो आसानी से कम होगी। और दोस्तों बात करते हैं तीसरा जो फैक्टर है, इस बार सीटों की संख्या भी बढ़ करके 809 हो गई है, तो सीट की संख्या भी कम हो गई, इस वजह से भी जो है कट ऑफ थोड़ी सी कम जाएगी। और अब बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कम जाएगी तो कट ऑफ कितनी रहेगी। तो दोस्तों जैसा कि मैंने जो है आरओ का मेंस का एग्ज़ाम जो है 2014 वाला जो है दिया था, तो उसमें जो कट ऑफ गई थी 283 के आसपास गई थी, जिसमें मेरे मार्क्स जो है 263 आए थे। तो मैं कह रहा हूँ कि इस बार कट ऑफ जो है जनरल की जो कट ऑफ रहेगी आरओ की वो कम होगी, और जनरल की कट ऑफ लगभग 250-55 के आसपास ही रहेगी, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, ये संभावना है। ठीक है, तो जो लोग इसके आसपास हैं, और ओबीसी की कट ऑफ आप जानते हैं बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, तो ओबीसी की कट ऑफ भी इसी के आसपास मानिए 45 के आसपास बस। और गर्ल्स का भी बस इतना ही मान लीजिए, 10 नंबर कम है, तो 240 के आसपास अगर गर्ल्स हैं तो उनकी संभावना बनती है। दोस्तों ये एक अनुमान है जो प्रीवियस ईयर्स के आरओ 13 और साथ ही आरओ 14 के जो रिजल्ट आए हैं उसके कट ऑफ के बेस पे एक अनुमान है। तो ये आपका है अनुमान। और अब बात करते हैं कि आरओ एआरओ की नई वैकेंसी कब तक आएगी, आएगी भी या नहीं। तो दोस्तों आरओ एआरओ की जो पोस्ट है अभी भी जो है सचिवालय और साथ ही लोक सेवा आयोग में भी बहुत पोस्ट खाली हैं, और अभी तक जो है 2016 आरओ की वैकेंसी पे कोई निर्णय भी नहीं लिया गया है। तो निश्चित रूप से पोस्ट आएगी, भले से कैलेंडर में मेंशन नहीं है, लेकिन पोस्ट जो है 2020 में पक्का जो है आरओ की पोस्ट आएगी, तो आप लोग उसकी भी तैयारी करते रहें। दोस्तों ये रहा कट ऑफ का वीडियो, और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करना। और हाँ एक बात कि इस बार जो है वीडियो कम अपलोड हो पा रहे हैं दोस्तों, अभी मेरे कॉलेज में जो है एग्ज़ाम चल रहा था, तो इस वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा था, वहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहा था बीएड एलएलबी और जो है साथ ही एमएससी वालों का, तो उसमें थोड़ा बिजी था, इस वजह से अब वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी जो है मास्टर वीडियो आप लोगों के लिए करंट अफेयर्स का बना रहा हूँ, उसको मैं अपलोड करूँगा,
और साथ ही साथ जो है एक जो है जनसंख्या से IMR वाला और MMR वाला, और साथ ही साथ फर्टिलिटी रेट, ये सब जो है उसमें जो भी जनगणना से रिलेटेड डाटा रहेंगे वो अपलोड किया जाएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।